आगरा बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदना शुरू कर दिया है। 24 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। आगरा बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता समिति के चेयरमैन अविनाश कुमार शर्मा का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए हरिदत्त शर्मा, रमाशंकर राजपूत, विजेंद्र नाथ पचौरी, सचिव पद के लिए सुनील कुमार वशिष्ठ, किशोर कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव पद के लिए योगेश कुलश्रेष्ठ, अनिल शर्मा के चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा जोरों पर है। देखिए, आज मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और उसके लिए मतदाता अपना जो है नॉमिनेशन पेपर भर रहे हैं। अभी तक करीब 10 फॉर्म हमारे बिक चुके हैं और जैसी अभी जो चर्चा है उसके हिसाब से अध्यक्ष पद के लिए 3 नाम आए हैं, सेक्रेटरी के लिए 2 नाम हैं। कि अभी तक चर्चा में जो नाम है डॉक्टर हरिदत्त शर्मा, रमाशंकर सिंह राजपूत और बीएन पचौरी, 3 नाम अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में हैं। अभी इनके नॉमिनेशन प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन चर्चा में जो सुनाई दिए हैं उनके हिसाब से बताया जा रहा है। आगरा बार लाइब्रेरी में नामांकन पत्र मिल रहे हैं। पहले दिन चुनाव मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों ने नामांकन दिए। 10 से 16 फरवरी तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे, इसके बाद नामांकन पत्र वापसी और फिर 24 फरवरी को मतदान होगा। आगरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अमिताभ शर्मा का कहना है कि आगरा बार एसोसिएशन एक विशेष स्थान रखती है। 24 फरवरी को होने वाले वार्षिक चुनाव में निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। आगरा बार एसोसिएशन संपूर्ण भारतवर्ष की प्राचीनतम बारों में से एक बार है जो अपना विशिष्ट स्थान रखती है और आगरा बार एसोसिएशन एक गौरवशाली इसका एक इतिहास रहा है और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें ये अवसर मिला कि हम इस संस्था के सदस्य हैं। इस संस्था का प्रतिवर्ष वार्षिक चुनाव होता है और ये संस्था संविधान के द्वारा ही संचालित होती है, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा जब संस्था का बनाई गई थी उस समय एक संविधान रचित किया गया था, उसी के अनुसार ये संस्था कार्य करती है और इसका एक प्रतिवर्ष वार्षिक चुनाव होता है और वार्षिक चुनाव में संस्था के जो एक कार्यकारिणी का निर्वाचन होता है और सब लोग उसमें जितने भी संस्था सदस्य हैं बतौर वोटर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रतिवर्ष की भांति चुनाव 24 फरवरी को प्रस्तावित है और जो भी प्रतिभागी जो भी चुनाव लड़ेंगे वो अपना प्रचार कर रहे हैं। सभी अधिवक्ता जो हमारी संस्था के सदस्य हैं उनको जाके प्रचार कर रहे हैं, उनसे अपना समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन हमारी संस्था में एक बहुत अच्छी बात ये है कि किसी भी प्रकार के बैलेट पेपर, पोस्टर इत्यादि का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल व्यक्तिगत तौर पर ही वोटों को वोट मांग के अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होता है। जो भी प्रत्याशी होंगे वो अपना वोट मांगेंगे, हमारी जो संस्था की वरिष्ठ अधिवक्ता समिति है उनकी देखरेख में चुनाव कराया जाता है। आगरा बार एसोसिएशन के होने वाले चुनाव में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव आंतरिक अंकेशक, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव सामान्य, संयुक्त सचिव साहित्य एवं क्रीड़ा, इसके साथ ही 10 कार्यकारिणी सदस्य, 8 वरिष्ठ और 2 कनिष्ठ सदस्य चुने जाएंगे। प्रत्याशी समर्थन मांग रहे हैं। 24 फरवरी को चुनाव होने के बाद शाम को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। दीवानी में चुनाव की सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं। जगह जगह बैठकों का दौर चल रहा है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा।